सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज नंबर फोर। पहला क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ दी रोमन नंबर। ये नंबर दिए गए हैं, ए नंबर पर बी बना हुआ है, इसका मतलब होता है रोमन में फाइव। बी पर दिया हुआ है एक्स, एक्स का मतलब होता है रोमन में टेन। एल, एल का मतलब होता है फिफ्टी। इसी के आधार पर सी, सी मतलब होता है हंड्रेड। इस वाले चैप्टर में आपको सबसे पहले एक टेबल दी गई है, उस टेबल में सारे अंकों की वैल्यू लिखी गई है, उसके सहायता से क्वेश्चन नंबर वन आपको बुक की सहायता से करना है। दूसरा आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर। ये संख्या दी गई है 55 इज इक्वल टू 50 प्लस 5, इसको रोमन में लिखना है, तो 50 को बोलते हैं एल प्लस 5। इस प्रकार आपको एल बी ये बन के आ गई। अगली क्वेश्चन है 80। 80 के लिए आपको लिखना होगा 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी एल प्लस एल एक्स एक्स एक्स। आगे भी ये क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, आपको उनको एक्सपेंड कर, पहले आप एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद उनको आप आसानी से रोमन नंबर में लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इन द हिंदू अरेबिक नंबर एक्स एल बी। इसको आपको पहले इस प्रकार से इंडियन सिस्टम में लिखना है, उसके बाद एल एस बी का मतलब होता है, एक्स एल बी का मतलब होता है कि एल, एल से आगे आ गया एक्स, यानी कि एल में टेन कम, तो हो गया कितना 40। एल मीन्स 50, तो 40 और प्लस 5 इज इक्वल टू 45। इस प्रकार ये संख्या इसमें दी गई है, ये भी आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है कंपेयरिंग एक्स एल और एल एक्स एल 3। इसका मतलब हो गया एक्स एल का मतलब हो गया 40 और एल 3 का मतलब हो गया 53। इसमें जो संख्या बड़ी है उस पर आपको निशान लगा देना। क्वेश्चन नंबर 5, लिंक द बॉक्स, बॉक्स में क्या करना है 300 प्लस 6 प्लस 3, ये भी आपको रोमन नंबर में लिखना है 300। यहाँ देखिए एग्जांपल करके दिखाया गया है 300, 100 को बोलते हैं सी, सी प्लस सी प्लस सी, ये 6 और ये 3। आपको इसी प्रकार से आगे की पूरी एक्सरसाइज अपनी किताब की सहायता से करनी है।